लाल सागर में आतंक का पर्याय बन चुके हुती विद्रोहियों की अब खैर नहीं है। अमेरिकी एयरफोर्स ने दूसरे दिन यमन में हुती विद्रोहियों को टारगेट कर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने मिसाइल दाग कर इनके 60 से ज्यादा ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इजराइल हमास की जंग अब क्षेत्रीय लड़ाई में बदलती जा रही है। इससे मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। हमास के समर्थक हुतियों पर पिछले 2 दिनों से अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर दर्जनों बमबारी कर हुती के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। पहले दिन हमले में हुती के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों के जरिए वे लाल सागर में मिसाइलें दागते हैं। इस हमले के दौरान बेहद खतरनाक मंजर हो गया था। हर तरफ धुआं, आग और तबाही साफ दिख रहा था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि वे लाल सागर में शिपिंग रूट की सुरक्षा चाहते हैं। इसके रास्ते में जो भी आएगा उसे धुएं में उड़ा दिया जाएगा। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन यमन में एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी एयरफोर्स ने हुतियों के करीब 30 ठिकानों को निशाना बनाया। ताज़ा हमलों को अकेले अमेरिकी सेना ने अंजाम दिया है। अमेरिकी सेना ने बताया कि डिस्ट्रॉयर ने क्रूज मिसाइलों से यमन पर हमला किया है। ज़्यादा जानकारी दिए बगैर ही अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि राजधानी सना में अल दैलानी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। यूएस ज्वाइंट स्टाफ के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल दुगला सिम्स ने बताया कि पहले दिन की एयर स्ट्राइक के जवाब में हुतियों ने भी हमला किया था। हुतियों ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। ये बात अलग है कि अमेरिकी शिप पर किए गए ये हमले नाकाम रहे। इससे पहले अमेरिकी और ब्रिटिश वायुसेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन में यमन की राजधानी सना और 4 अन्य शहरों में 73 हुती ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले में हुती के 5 लड़ाके मारे गए और अन्य 6 घायल हो गए थे। दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। ईरान समर्थित कई हथियारबंद समूह लगातार इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने की धमकियां दे रहे हैं। हुतियों ने भी अमेरिका को चेताया है कि वे चुप नहीं बैठेंगे और इसका जवाब देंगे। बता दें कि ईरान समर्थित हुती विद्रोही इजराइल हमास युद्ध के बाद से लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे थे। अमेरिकी नौसेना ने कई बार हुती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया था। बार बार चेतावनी के बावजूद हुती विद्रोहियों का जहाजों को निशाना बनाना जारी था। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट बाधित हो रहा था। अमेरिका ने चेतावनी भी दी थी कि अगर हमले नहीं रुके तो इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट की सुरक्षा के लिए निगरानी भी बढ़ा दी थी। भारत ने भी अपने 5 युद्धक जहाजों को अरब सागर और लाल सागर में तैनात किया है। इसका लक्ष्य हुती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के हमलों को नाकाम करना है। यही वजह थी कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ब्रिटेन ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर भारी गोलीबारी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि संयुक्त हवाई हमला आत्मरक्षा के लिए आवश्यक था। नवंबर 2023 से लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय नौवहन को निशाना बनाया जा रहा है। ये माफी के लायक नहीं है। सुनक ने ईरान समर्थित समूह पर ब्रिटेन के जहाजों को धमकी देने का आरोप भी लगाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।